नमस्कार, मैं बॉबी झा, मैंने न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जब संविधान के आगे नतमस्तक हुए पीएम मोदी, लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सर्वसम्मति ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद या दल का नेता चुन लिया गया। शनिवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को विधिवत तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों के बीच पहले बीजेपी सांसदीय दल का नेता चुना गया और फिर एनडीए सांसदीय दल का नेता चुना गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन से पहले भारतीय संविधान के आगे अपना शीर्ष झुकाया। इससे पहले उन्होंने एनडीए के सांसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, साथ ही मुरली मनोहर जोशी से गले मिले। सांसद के सेंट्रल हॉल में शनिवार को बीजेपी और एनडीए सांसदीय दल की बैठक हुई। इसमें सभी नव निर्वाचित सांसद, पार्टी के दिग्गज नेता और एनडीए के नेता मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रपति के गीत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी सांसदीय दल के नेता के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी सदस्यों ने तालियों के साथ स्वागत किया। पीयूष गोयल ने मोदी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, संविधान ही देश की आत्मा है और वही सर्वोच्च है। सांसदीय दल की बैठक में देश के संविधान के सामने नतमस्तक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चुनाव हारे हैं, साहस नहीं। कांग्रेस कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। यहां मौजूद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पास से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष के अमित शाह को सर्वसम्मति ने नामंजूर कर दिया। सुरजेवाला ने बताया कि CWC ने राहुल गांधी को पार्टी के पूर्ण गठन के लिए बदलाव करने का अधिकार दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी एक प्लान लाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस जनादेश का सम्मान करती है, हमने चुनाव हारा है लेकिन साहस अब भी बरकरार है, पार्टी साहसी वोटरों का सम्मान करती है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।